दोस्त, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मूवी OMG 2 को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि ये अपडेट ऐसी है कि आप इसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो जाएंगे। सभी लोग आपको बताते कि 2012 में आई OMG को बहुत ज़्यादा सराहा था सभी लोगों ने, और इसके बाद इसके सीक्वल यानी OMG 2 का इंतजार करता है। आपको बताते कि अब OMG 2 की रिलीज डेट आ चुकी है और कन्फर्म हो चुका है कि ये मूवी इसी दिन सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आपको बताते कि इस बार हमें ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। जहां दोस्तों दिल तोड़ने वाली बात है, लेकिन आपको बता दें कि कन्फर्म रिलीज डेट आ चुकी है 26/5/2023। जी हाँ दोस्तों, 26 मई को सभी सिनेमाघरों में ये मूवी आने वाली है। तो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। उन्होंने कहा कि ये मूवी थिएटर में आएगी, लेकिन आपको बता दें कि ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सच बात तो है कि ये मूवी हमें OTT पर देखने को मिलने वाली है। इसमें अक्षय कुमार हमें इस बार शिवजी के किरदार में नजर आने वाले हैं, भगवान शिव के किरदार में नजर आएंगे, और इसमें हमें यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी जैसे स्टार नजर आएंगे अक्षय कुमार का साथ देते हुए। तो बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। और भगवान श्रीराम के किरदार में हमें अरुण गोविल नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बार हमें परेश रावल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली बार हमें परेश रावल थे, लेकिन पिछली बार पंकज त्रिपाठी नहीं थे, इस बार पंकज त्रिपाठी को लिया गया। तो आपको बता दें कि 26 मई को बहुत ज़बरदस्त मतलब धमाका होने वाला, बहुत शानदार मूवी होने वाली है, और सभी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं कि ये मूवी बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी और अक्षय कुमार का बॉलीवुड से सूखापन दूर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस मूवी को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं और ऐसी अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना ना भूले। यार मैं कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।